Welcome everyone, welcome at CS Notes Home Video Cell. Friends, it's a GST, Important MCQs Part 2. Yes, Important MCQs Part 2, Part 1 में हमने बहुत important basic question देखे थे, आज हम Part 2 लेके आए हैं, जिसमें उसके आगे की सीरीज हम देखते हैं. सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कहूंगा, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की ये पार्ट टू पार्ट थ्री जब तक जीएसटी के अंदर हम आपको एंड पार्ट तक नहीं ले जाते तब तक ये सीरीज शुरू रहेगी. तो कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हाथ से ना छूट जाए जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो क्वेश्चन 11, कल पार्ट वन में हमने देखा था क्वेश्चन 10 तक, आज क्वेश्चन 11 हम देखते हैं. इज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई जीएसटी बिल, ऐसा कौन सा वो पहला स्टेट था जिसने जीएसटी बिल को रेटिफाई किया था? आंध्र प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और तेलंगाना. इन पांच स्टेट में से वो कौन सा स्टेट था जिसने सबसे पहले जीएसटी बिल को रेटिफाई किया था? राइट आंसर इज बी, आसाम इज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई जीएसटी बिल. क्वेश्चन 12 है, इज द फर्स्ट स्टेट दैट पास्ड जीएसटी बिल. कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, पहले वाला जो क्वेश्चन था वो ये था कि रेटिफाई किसने किया था जीएसटी बिल को, अब ये क्वेश्चन है कि जीएसटी बिल को पास किसने किया? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड तेलंगाना. राइट आंसर इज ई, इट मीन्स तेलंगाना इज द फर्स्ट स्टेट दैट पास्ड जीएसटी बिल. बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, रेटिफाई जीएसटी बिल एंड पास जीएसटी बिल, रेटिफाई किया था आसाम ने और पास किया था तेलंगाना ने. क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर एंड फाइनेंस सेक्रेटरी, हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? आंसर इज सी, अरुण जेटली इज द करंट चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ही इज ऑल्सो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया. नाउ इस जीएसटी फाइनेंस मिनिस्टर पैनल चेयरमैन कौन है? अमित मिश्रा, अमित मल्होत्रा, अमित चंद्रशेखर, अमित शास्त्री और अमित कोहली. राइट आंसर इज अमित मिश्रा, वेस्ट बंगाल फाइनेंस मिनिस्टर इज द फाइनेंस मिनिस्टर पैनल चेयरमैन. अमित मिश्रा जो वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, वो जीएसटी के फाइनेंस मिनिस्टर पैनल के चेयरमैन हैं. क्वेश्चन नंबर 15, द हेडक्वार्टर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल इज, जीएसटी काउंसिल जो बनी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और लखनऊ. राइट आंसर इज बी, इट्स अ न्यू दिल्ली. So, the headquarters of GST Council is in New Delhi. Question number 16. The Central Board of Excise and Custom announced that every year will be considered as GST Day. April 1, March 1, June 1, July 1 and January 1. Right answer is D. It means July 1 because 1 July 2017 se GST jo hai, वो इम्प्लीमेंटेड हुआ है, अप्लीकेबल हुआ है फॉर इंडिया के अंदर. इसके लिए 1 जुलाई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम जो है उन्होंने इस दिन को जीएसटी डे के रूप में कंसीडर्ड कर दिया है. जीएसटी कम्स अंडर विच एक्ट, कौन से अंडर एक्ट के अंडर आता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट एंड कंपनीज एक्ट. यस माई फ्रेंड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो भी हमने देखे सारे इंपॉर्टेंट थे, बट ये उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जीएसटी एंड कम्स अंडर विच एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आएगा, आरबीआई एक्ट में आएगा, इंडियन पार्टनरशिप में आएगा, लिमिटेशन में आएगा या कंपनीज एक्ट में आएगा? राइट आंसर इज ई, इट मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जीएसटी जो है उसको लिया गया है. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द टैक्सेस लेविड ऑन एन इंट्रा स्टेट सप्लाई? इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर कौन कौन से जो टैक्सेस हैं वो लेविड होंगे? सबसे पहले आपको देखना होगा, अगर आपको नहीं पता है तो इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई दोनों में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट सीजीएसटी, बी
SGST, CCGST and SGST and DIGST. Answer is C, CGST and SGST. Central Goods and Service Tax and State Goods and Service Tax दोनों जो हैं वो टैक्स यहाँ पे लेवी होंगे. क्वेश्चन नंबर 19, हु विल नोटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लेविड अंडर सीजीएसटी. सेंट्रल के अंदर जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसमें टैक्स रेट कौन नोटिफाई करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट सुमोटो, स्टेट गवर्नमेंट सुमोटो, जीएसटी काउंसिल सुमोटो, सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल. आंसर है इसका डी, सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल. इट मीन्स जीएसटी काउंसिल के बिना सेंट्रल हो या स्टेट हो वो रेट को नोटिफाई नहीं कर सकते. अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजेबल या घुमा के भी आए तो रिमेंबर दिस, जीएसटी काउंसिल इज इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर जीएसटी रेट नोटिफिकेशन. द लास्ट क्वेश्चन इज, पेन इश्यूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज मैंडेटरी फॉर ग्रांट फॉर रजिस्ट्रेशन. आप लोगों ने अब तक अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं देखा होगा तो हमारे बहुत सारे वीडियोज हैं, आप उन्हें देख सकते हो, जिनमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप लोग अगर वीडियोज देखते हो, छोटे छोटे वीडियोज हैं, 3-3, 5-5 मिनट के. उससे क्या होगा, आपका लोगों का नॉलेज इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा नॉलेज इंक्रीज होगा, जिससे एग्जाम के अंदर आपकी इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपकी कमांड बनेगी. अब जैसे पैन है, पैन कार्ड जो है इश्यू किया गया जो इनकम टैक्स की तरफ से, क्या वो रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी है? इट इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट लिस्टेड, यस, बट नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मे बी ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी अदर डॉक्यूमेंट. नो, फॉर पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51 शैल हैव 10 इन लाइव ऑफ वैन. बोथ बी एंड सी. राइट आंसर इज बोथ बी एंड सी. डी, बोथ बी एंड सी, बिकॉज पैन के बिना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है फॉर रेजिडेंट इंडियन. बट अगर नॉन रेजिडेंट है तो वो उसके बेसिस के ऊपर कोई, अगर उसके पास में दूसरा डॉक्यूमेंट है तो वो वहां पे अप्लाई कर सकता है. लेकिन इसके साथ में ही, नो, फॉर पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 51 शैल हैव 10 इन लाइव ऑफ पैन. बट अंडर सेक्शन 51 क्या कह रहा है कि अगर किसी के पास में जो पर्सन है अगर वो टैक्स को डिडक्ट करवाता है अंडर सेक्शन 51 तो वो 10 भी वहां पे दे सकता है पैन के बेसिस के ऊपर. तो दोस्तों ये था आज का पार्ट टू. इस तरीके से हम पार्ट थ्री पार्ट फोर, जब तक जीएसटी का एंड नहीं हो जाता, जब तक हम बिगनिंग टू एंड तक नहीं पहुंच जाते, ये पार्ट चलते रहेंगे. अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों. ऐसे बहुत सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डेली बेसिस पे यहाँ पे अपडेट करेंगे. अगर आपको चैनल अच्छा लगे, अगर आपको कंटेंट अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, सर्विसेज अच्छी लगे, तो चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा. आपका एक शेयर किसी दूसरे स्टूडेंट के भी काम में आ सकता है. हमारा मोटिव है जीएसटी के बारे में आप लोगों को अवेयर करना. इस मोटिव में मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारी हेल्प करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को भी और सब्सक्राइब करवाएं, ताकि सभी लोग जीएसटी के बारे में अवेयर हो सके. थैंक यू एवरीवन.